हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड के एक नए वीडियो में। तो आज की वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो फाइनली गाइज, जो 3.1.8 का अपडेट आ चुका है गाइज क्लाउड गेम्स का, तो सिंपल सा वो प्ले स्टोर पर भी आ चुका है। अगर आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा तो सिंपल सा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ डाउनलोड कैसे करना है और आपको कैसा दिखेगा और कैसा नहीं वो भी दिखा दूंगा। तो मैंने प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया गाइज, अदरवाइज दूसरे कहाँ से भी अपडेट नहीं किया इसे इसे। सिंपल सा आपको प्ले स्टोर में जाके दिखा देते हो मैं इसे इसका अपडेट आया है कि नहीं। तो चलो सिंपल सा प्ले स्टोर में चलते हैं हम। तो गाइस सिंपल सा प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्लाउड गेम्स। तो सिंपल सा यहाँ पे क्लाउड करके सर्च कर, तो क्लाउड गेम्स तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे तो शायद आया नहीं। तो यहाँ पे गाइस एक बात ये सी कि यहाँ पे आप जब सर्च करते हो क्लाउड गेम्स तो आता नहीं है। तो सिंपल सा आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, तो जो पुराना क्लाउड गेम्स इंस्टॉल कर रखा है गाइस उसी को आपको अपडेट करना है। तो सिंपल से जाना है यहाँ पे अपने अपडेट्स में जाने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन आया। तो सिंपल सा हम इसे क्लिक करके अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा रेड मोड में जाके देखते हैं हम कुछ आए कि नहीं इसमें नया। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज 1.3.8.8 का अपडेट आ चुका है यहाँ पे। तो सिंपल सा जो भी इन्फॉर्मेशन वो दिखा देते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे यहाँ से हम इसे अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपडेट होने के बाद तो कुछ बातें स्क्रीन शॉट देख लीजिए गाइज, स्क्रीन शॉट भी वैसे ही है, कुछ फ़र्क नहीं इनमें। तो सिंपल सा ये होने तक हम इसे स्किप कर देते गाइज, फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपल सा इंस्टॉल होने का आएगा इसे, तो अपडेट होने का है। तो यहाँ पे थोड़ा पर 2-3% बाकी, तो यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं हम। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद सिंपल सा गाइस क्या करेंगे, यही इसे हम इसे ओपन करेंगे। तो सिंपल सा ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेने के बाद देख लीजिए आप, जो भी मैंने पिछली बार देख दिया था गाइस वो 3.1.3 का अपडेट, तो वही गाइस उसमें कुछ सेम फ़र्क नहीं, तो थोड़ा फर्क इंग्लिश में, इसमें जो भी जो गेम्स के नाम है गाइज वो सिर्फ इंग्लिश में, बाकी सब जैसा का वैसा देखने के लिए मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगी इसमें। तो फटाफट से देख लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा इंटरनेट स्लो ही मेरा इसलिए चालू नहीं हो रहा है। तो थोड़ा फॉर वेट कर लीजिए गाइज, वेट कर लेंगे तब यहाँ पे आपको लॉगिन पेज पे आएगा। तो लॉगिन पेज पे आप सिंपल सा क्या कर लेंगे, जो भी हमारा आईडी गाइज वो लॉगिन कर लेंगे हम फटाफट से। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपल सा आपका जो भी फर्स्ट वाला ऑप्शन गाइज वो आपको अकाउंट बनाने में काम आएगा, और जो सेकंड वाला है वो आपको लॉगिन करने में। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से, और लॉगिन कर लेने के बाद तो देख लीजिए अभी यहाँ पे इंग्लिश में गाइज थोड़े पर जो भी आपके गेम्स के नाम गेम है वो सिंपल सा इंग्लिश में। अगर आपको डाउनलोड कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी मैंने, हम जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना देख लीजिए अभी यहाँ पे जो बहुत सारे इंग्लिश में नाम है, और जो भी गाइज थोड़ा फार उसी चाइनीज़ वर्जन में, और जो भी बटन्स विटन्स हमारे वो सिर्फ थोड़ी बार बदल चुके हैं। यहाँ पे आपको अन्य आपके जो भी गाइज कीपैड के गेम है, कीपैड के आपको कीपैड भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी बहुत सारे बटन्स है गाइज कीपैड के। तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे कैसे नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी आपको करनी पड़ती है, तो एशिया का सर्वर इसमें तो आपको नहीं मिलेगा, चाइनीज़ में। तो आपको मैं अगले अगर आप बोलते हो मुझे, तो मैं एशिया का सर्वर बता दूंगा आपको कौन सा एक कौन सा नहीं इसमें चाइनीज़ वर्जन में। तो सिंपल सा आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने में आप क्लिक हेयर के पेज पे क्लिक हेयर के एक बटन पे क्लिक करना है आपको, और सिंपल सा एक डाउनलोड पेज दिखेगा आपको, उस डाउनलोड पेज पर आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। देन उस वाले बटन पर क्लिक कर देगा आप इस वाले पेज पर आओगे, तो इस वाले पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक ऐड पर क्लिक करना है। अगर आप एक ऐड पर क्लिक नहीं करते हो, सिंपल सा नीचे आते हो, नीचे आने के बाद जो भी डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक करते हो, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी लिंक है गाइज वो वर्क नहीं करेगी। तो सिंपल सा आपको इस वाले पेज पे लाके पटक देगी, तो सिंपल सा आपको एक ऐड पे क्लिक कर देना है। तो उस ऐड पे जब जो भी ऐड गाइज जो भी ऐड दिखी उस ऐड पे क्लिक कर दीजिए, उसका जो भी URL कॉपी कर लीजिए, वहाँ पे 10-15 सेकंड वेट कर लेने के बाद ही कॉपी कीजिए गाइज, और कॉपी कर लेने का देन बैक आ जाइए। बैक आ जाने के बाद वहाँ पे दो बॉक्स देखेंगे आपको, तो उन दोनों बॉक्स में आपको सिंपल सा वो लिंक पेस्ट कर देनी, पेस्ट कर देंगे आप सिंपल सा आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी गाइज नीचे, तो आपको मीडिया फायर की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, तो मीडिया फायर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ नहीं है, 32 MB का एप्लीकेशन, और सिंपल सा इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी गेम में पसंद आता है वो खेल के मजे कीजिए। तो आपको एशिया का सर्वर मैं अगली बार बताऊंगा गाइस, एशिया का सर्वर कौन सी 3 अक्षर में कौन सी नहीं। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। जिन जिनको भी अपडेट पता नहीं गाइस उनको जरूर बताइए। तो चलो मिलता है मैं अगले बनने वीडियो में, तब तक के लिए बाय।